तो भाजपा लोग हमें टोटी नहीं बोलते थे, ये जितने बोलते थे टोटी टोटी टोटी, इन सब पे कार्रवाई होगी समय आने पर। वो तो सब डॉक्यूमेंटेड है हम लोगों पास। अखिलेश यादव की पार्टी सपा और बीजेपी के बीच इस वक्त सोशल मीडिया पर अब शब्दों को लेकर बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी आईटी सेल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल को जब इस मामले में गिरफ्तार किया गया तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीधे डीजी मुख्यालय पहुंच गए और उसके बाद जेल भी पहुंच गए। इस दौरान अब शब्दों को लेकर अखिलेश यादव के अंदर भी गुस्सा देखने को मिला। वो अपनी पत्नी और सांसद डिंपल यादव और बेटी अदिति यादव पर किए कमेंट पर नाखुश नजर आए। यही नहीं, इससे पहले भी अखिलेश यादव इस बात को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं कि उन्हें बीजेपी के लोगों द्वारा टोटी शब्द का इस्तेमाल करके बुलाया जाता है। मैनपुरी जीत के बाद उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी भी दी थी। तो भाजपा लोग हमें टोटी नहीं बोलते थे, ये जितने बोलते थे टोटी टोटी टोटी, इन सब पे कार्रवाई होगी समय आने पर। वो तो सब डॉक्यूमेंटेड है हम लोगों पास। वहीं 8 जनवरी की शाम अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव और बेटी अदिति यादव पर किए कमेंट पर काफी तीखा हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए क्या कह रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके घर परिवार नहीं है तो वो क्या इसी घर परिवार के बारे में बोलेंगे? क्या वो हमारे परिवार के बारे में बोलेंगे, हमारी बेटी के बारे में बोलेगी? ये किसने आजादी दी, किसकी ताकत में वो बोल रही है? वो ताकत बीजेपी ने दी है, बीजेपी बुलवाती है। क्या मुख्यमंत्री के सारे पे नहीं बोल रही है वो महिला? अगर मुख्यमंत्री जी का परिवार नहीं है तो दूसरे के परिवार पे अगर बोला जा रहा है तो वो चुप बैठे हैं, वो खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर के, अपनी पुलिस आगे कर दे रहे हैं। जब उनके शब्द खत्म हो गए, जब नहीं लड़ सकते हो तो पुलिस आगे करते हो, पुलिस आगे करके लड़ाई लड़ रहे हो आप। वहीं बीजेपी अखिलेश यादव पर महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वालों को सपोर्ट करने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।